ऐसा बोले आता है। बार के बाद वापस बार बार उसका ट्रांसफर कैंसिल हो जाता है, दो बार दिनेश हंस पार्षद दल मिले थे आयुक्त से, आप अर्धनग्न होकर आपने प्रदर्शन भी किया, कई घंटे तक बहसबाजी भी हुई, क्या कुछ पूरा मामला? हमारे वार्ड में दरोगा की प्रॉब्लम है, सफाइयाँ होती नहीं, नाली का पानी रोड पर आता है, नालियाँ पूरी भरी ही पड़ी है, एक भी नाली और एक भी रोड साफ सुथरी नहीं है, नालियों में पूरा गाजर घास और कीचड़, सब तरीके की परेशानियाँ, छोटे छोटे बच्चों को निकलने में दिक्कत आती है, बुजुर्गों को निकलने में दिक्कत आती है, लोग हेल्थी फिजिकली मेंटली सब तरफ से सफाई की वजह से परेशान हो चुके हैं। और दरोगा के ट्रांसफर को लेकर हम आज कमिश्नर महोदय से मिले और हमने शांति प्रिय ढंग से महात्मा गांधी के देश में महात्मा गांधी के तरीके से हमने प्रदर्शन किया और हम चाहते हैं कि दरोगा का ट्रांसफर किया जाए। और वार्ड में किस तरह की समस्याएं आ रही दरोगा से, कौन है दरोगा का, क्या नाम? दरोगा दीपक सांगते हैं, जो काम करने के लिए नहीं, काम रोकने के लिए वहाँ पर ड्यूटी पर आते हैं। क्या कुछ आश्वासन मिला आपको? कमिश्नर महोदय ने कहा है कि हम कर देते हैं। आपका नाम? वार्ड नंबर 42 श्याम पटेल। लोग आए हैं और होकर भी उन्होंने प्रदर्शन किया, क्या कुछ भी मांगे थी, उनकी क्या समस्या को लेकर आए थे? वार्ड 42 के जो पार्षद है वाइस है श्याम पटेल, उनकी ये मांग थी कि उनके वार्ड का दरोगा बदला जाए। उनके वार्ड के दरोगा पहले दो बार बदल चुके हैं, लेकिन दरोगा पुनः जब अपनी स्थिति पर पहुँच जाता था। अब उनका केवल ये मांग था कि उनके वहाँ का जो दूसरा दरोगा आया था वही दरोगा उनको वापस दिया जाए। तो हमारा वही कहना था कि हम दरोगा दूसरा पहुँचा देंगे, लेकिन ये इनका बार बार कहना था कि मुझे वही दरोगा वापस मिले। वही दरोगा वापस मिलने के पीछे कारण मुझे समझ में नहीं आया कि वही दरोगा क्यों चाहिए इनको। मुझे ये भी मेरी प्रशासनिक व्यवस्था बनानी है, ये एक दरोगा काम नहीं कर रहा है तो मैं दूसरा दरोगा दे दूँगा, लेकिन वही इसी बात को लेकर एनामेंट थे, वही बात करके उचित थे। मुझे जहाँ तक लगता है कि उनकी पूर्व नियोजित सारी CAC वहाँ पर उसमें शर्ट वर्ट का उतारना इनका ये बड़ा अशोकनीय नृत्य करते था, जिसकी मैं निंदा करता हूँ। आगे किस बात करने के अपने तरीके होते हैं, बात शांतिपूर्वक हो रही थी तो इस पर शर्ट उतारने की क्या बात हुई मुझे ये समझ में नहीं आई। सर आगे क्या कुछ कार्रवाई रहेगी? कार्रवाई जो दरोगा है दरोगा काम नहीं कर रहा है तो हम चेंज करते हैं, हर जगह से शिकायत आती है दरोगा की, नहीं करते हैं। होता है कि कई दरोगा की जनप्रतिनिधि से बनती नहीं है या बातचीत नहीं होती है, वो सारे कारण होते हैं, एक ही कारण एक पहलू के पीछे नहीं होता है, हर कारण होते हैं, उसमें क्या चीज़ होती है ये देखना चाह रहे हैं। लेकिन ये इस प्रकार से झुंड ला के अपनी पूरे नियोजित हरकतें करना ये बड़ा अशोभनीय है।